हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग ट्यूशन वाला भैया। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मतलब क्या, चैप्टर 2 हमारा क्या था? चैप्टर 2 था मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, है ना? मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स क्या था? धातुओं और उनके यौगिक, इनके बारे में हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे आज से। और आज का हमारा टॉपिक होगा उसके अंदर एलॉयज, मिश्र धातु का, ठीक है? इसके बाद इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी केमिस्ट्री का डिस्कस कर लिया था। इसमें हर मेटल्स के बारे में जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में उपस्थित है और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो सारे मेटल्स का हम लोग प्रॉपर्टी को इसमें सारे चीज पढ़ लेंगे। मेटल्स सिर्फ, नॉन मेटल्स को अलग से एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि आप लोगों को पता है कि सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मिश्र धातु एलॉयज को, ठीक है? एलॉयज क्या होता है आपको पहले से पता है, और नहीं पता है तो जान लीजिए कि एलॉय क्या होता है। जब एक धातु दूसरे धातु के साथ मिक्स करके एक नया धातु का निर्माण करता है तो उसे एलॉय कहते हैं। मतलब एक धातु दूसरे धातु से ही मिलेगा जरूरी नहीं है, एक से अधिक धातु, बोलने का मतलब एक से अधिक धातु जब आपस में मिल करके एक नया धातु का निर्माण करता है, एक नया मेटल का फॉर्मेशन करता है, तो उसे एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है लिखी हुई है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका नहीं आएगा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो ये तो पता है आपको कि जब धातुओं को मिक्स किया जाता है तो मिश्र धातु निकलता है, दैट इज इंग्लिश में उसे एलॉय कहते हैं। कभी कभी हिंदी में उसे मिश्र धातु नहीं कह के मिश्रातु भी कहते हैं, याद रखिएगा मिश्रातु, ये भी कह देगा तो आप लोग यही समझिएगा कि मिश्र धातु को ही कहा गया है, ठीक है? तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उसके बाद एक एक करके सारा पॉइंट को डिस्कस करता हूँ आपके सामने। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। क्या कह रहा है देखिए, जस्ता, जस्ता इंग्लिश में से आप लोग जिसको कहते हैं जिंक, जिंक एक धातु है आप लोग को पता है, जिसका उपयोग लोहे के प्रतिरक्षण के लिए किया जाता है। आपको पता है कि लोहे में जंग लगती है, कुछ दिन अगर हवा में लोहे को रख दिया जाता है तो उसमें जंग लगती है, तो इसी को क्या करने के लिए, इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रतिरक्षण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं लोहे को जंग रोधी बनाने के लिए जस्ते का पॉलिश किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, आपसे सवाल इस तरह से बन सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका पॉलिश किया जाता है या किसका परत चढ़ाया जाता है, कौन सा धातु का परत चढ़ाया जाता है, तो याद रखिएगा जिंक का परत चढ़ाया जाता है लोहे को जंग से बचाने के लिए। हो गया क्लियर? ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, एल्यूमिनियम धातु से बनाई गई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे के पुर्जे बनाने में काम में लाया जाता है। आप लोगों से अगर ये सवाल पूछे कि हवाई जहाज में कौन सा धातु का इस्तेमाल होता है, तो आप बोलिएगा कि बहुत सारे धातु, एक्चुअली धातु अगर बोलेगा पूछेगा तो आप बोलिएगा कि एल्यूमिनियम, लेकिन अगर पूछेगा कि कौन सा मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है तो आप बोलिएगा एल्युमिनियम से बने जितने मिश्र धातु होते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण यह है कि लोहे इसलिए यूज नहीं किया था क्योंकि वो ज़्यादा भारी होता है, एल्युमिनियम क्या होता है वो हल्का होता है, ठीक है, और मजबूत भी होता है। तो इसीलिए देखिए लिखा हुआ है एल्युमिनियम हल्की होती है, इसमें जंग नहीं लगता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि एल्युमिनियम में जंग बहुत कम लगती है, यहाँ पर लिख दिया गया है जंग नहीं लगती है, लेकिन एल्युमिनियम में भी जंग लगती है, वो हल्का सा लगती है। जैसे लोहे में जिस परिमाण में जंग लगती है उस परिमाण में जो है एल्युमिनियम में जंग नहीं पाया जाता है, ठीक है? ये डायरेक्टली लोहा जब डायरेक्टली हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है और ऑक्साइड बना देता है। लेकिन आपको पता है कि एल्युमिनियम जो है हवा में ओपनली रखने के बाद हवा के साथ रिएक्शन नहीं करता है, बट उसमें जब कुछ काम किया जाता है, मान लीजिए एल्युमिनियम का हम लोग के पास कढ़ाई रहता है, उसमें तेल डालते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है बट इन स्लोअर रेट, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन्स और रेल के डिब्बे में के बनाने वाले जितने भी पुर्जे होते हैं, रेल का डब्बा बनाने के लिए जो भी आपका चीज़ों का जरूरत होता है वो सारे चीज़ें किससे बनी होती है, ना मैक्सिमम चीज़ें एल्युमिनियम से बनी होती है। ओके, दूसरा पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए कि पारा का बात किया जा रहा है कि जब पारा मतलब हो गया मरकरी, इसका सिंबल Hg होता है, किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। याद रखिएगा, जब भी पारा को Hg को किसी भी धातु के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पारा तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में रहता है,
मान लीजिए एल्युमिनियम को क्या कर रहे हैं, एल्युमिनियम को गला रहे हैं, एल्युमिनियम को गला दिए और दोनों को मिक्स कर दिए, तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका एक स्पेसिफिक नाम तो होगा, लेकिन सारे, जैसे कि मान लीजिए एच जी को फिर जिंक के साथ जोड़े, तो इसका तो एक अलग से नाम होगा ही, इसका तो एक अलग से नाम होगा ही, लेकिन सबको मिक्स करके क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है अमलगम। क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं तो उसे अमलगम कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास कैसे आएंगे कि जब पारा को किसी धातु के साथ मिश्र धातु बनाया जाता है, मिलाकर मिश्र धातु बनाया जाता है, तो बनने वाले धातु को क्या कहा जाता है, तो उसे अमलगम कहते हैं। याद रखिएगा, अमलगम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि लोहे से, एक बात याद रखिएगा, अमलगम में कभी भी लोहा पार्टिसिपेट नहीं लेता है। लिख रहा है लोहे से अमलगम नहीं बनता, बना जा सकता है। मतलब अगर आप मरकरी को लोहे के साथ, लोहे को पिघला के मरकरी डाल रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है अमलगम बनना। क्यों? ये पॉइंट नहीं है। याद रखिएगा कि जो आयरन होता है वो अमलगम नहीं बनाती है, लोहे से अमलगम नहीं बना जा सकता है। लेकिन जस्ता हो गया, मतलब जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तांबा हो गया, को मिलाकर पारा में क्या किया जा सकता है, अमलगम बनाया जा सकता है। इसमें आप एल्युमिनियम को भी डाल सकते हैं, लेकिन आयरन, याद रखिएगा, लोहे के साथ अमलगम नहीं बनता है। गॉट इट? तो मैक्सिमम में अगर देखा जाए तो जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आपका तांबा हो गया, ये सब चीज जो है किसके साथ मिलाते हैं, पारा के साथ, मरकरी के साथ मिला करके हम लोग क्या करते हैं, अमलगम बना सकते हैं। उसके बाद देखिए एक पॉइंट क्या है कि टांका, आप लोग को पता है टांका बोलने का मतलब हमारा शरीर जहीं कहीं कट जाता है तो टांका लगाते हैं, उस टांका का बात नहीं किया जा रहा है। आप देखिएगा जब सोल्डरिंग, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं, जब बिजली के तार को हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, किसी दो तार को, किसी दो धातु को जोड़ने का जो प्रोसेस है उसे सोल्डरिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो सोल्डरिंग है कई धातु से मिलकर बना होता है, सोल्डरिंग का वायर आता है, सोल्डरिंग का वायर आप लोग पतला देखे होंगे, उसको टच करते हैं और इधर से हीट प्रोड्यूस करते हैं तो गल जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ये जो सोल्डर है, सोल्डर में सीसा होता है, सोल्डर में सीसा होता है, इंग्लिश में आप लोग को इसको पता है, लेड पढ़ते हैं ना, पीबी, लेड पीबी, ये जो पीबी है इसे हिंदी में ही सीसा कहा जाता है। ये जो सीसा का मात्रा इसमें कितना होता है, 60% होता है। और याद रखिएगा टीन का मात्रा 32% होता है, टीन का मात्रा 32% होता है। तो 60% और 32% हो गया 92%, और जो बचा 8% वो लिखा हुआ है कि बाकी जो होता है कैडमियम, जिंक तथा इंडियम होता है। क्या बोले सर? सीडी, कैडमियम, जिंक, जेडन और इंडियम आयन होता है। गॉट इट? याद हो जाएगा कि जो सोल्डर होता है सर, वो सीसा बहुत आयत में पाया जाता है, उसमें सीसा, लेड उसमें रहता है, 60% लेड रहता है, 3 रहता है आपका 32%, बाकी जो बचा जो है कैडमियम, जिंक और इंडियम रहता है, टोटल 8%। अब देखिए एक नया तत्व है, जर्मन सिल्वर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं सर? जर्मन सिल्वर क्या है सर? निकल सिल्वर बोलिए। निकल के साथ सिल्वर को मिला के जो मिश्र धातु बनता है उसे निकल और सिल्वर माने सिल्वर का होता है Ag, याद रखिएगा, निकल और सिल्वर को मिलाते हैं तो बोलते हैं निकल सिल्वर। इसका अलग एक नाम है, इसको बोला जाता है जर्मन सिल्वर। तो आपका प्रश्न कैसे बन सकता है कि निकल सिल्वर को दूसरे नाम से, कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग टिक कीजिएगा, क्या जर्मन सिल्वर कहा जाता है निकल सिल्वर को। ये किस चीज से बनता है? देखिए इसमें तांबा 50% होता है। तांबा मतलब समझ रहे हैं, कॉपर का बात कर रहे हैं, कॉपर रहता है 50%, जिंक रहता है 35%, ये हो गया आपका 50% और जिंक, जेडन जो है 35%, बाकी बचा जो है वो निकल रहता है 15% आपका, ये हो गया आपका 100%। तो आपको याद हो जाना चाहिए जो जर्मन सिल्वर है उसमें क्या क्या रहता है, कॉपर, जिंक और निकल, क्योंकि जर्मन सिल्वर का ही दूसरा नाम है निकल सिल्वर। इसमें निकल सिर्फ 15% ही होता है, लेकिन जनरली कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स कि निकल सिल्वर है तो निकल सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो सवाल ये आते हैं कि निकल सिल्वर में कितने परसेंट निकल होते हैं, तो 15% निकल होते हैं, कॉपर होते हैं सबसे ज्यादा, 50% रहता है इसमें, ठीक है।
अब लोग याद हो गया। अब देखिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बार बार आता है, कांसा और पीतल। याद रखिएगा, कांसा मतलब होता है ब्रास और पीतल का मतलब होता है ब्रोंज। ये जो ब्रास है, कांसा में 88% तांबा तथा 12% टीन होता है। क्या बोले सर? कांसा ब्रास का बात कर रहे हैं, याद रखिएगा ब्रास किस, ये सिंपल ऐसे परसेंटेज में अगर नहीं पूछे तो सिंपल आपसे पूछेगा ये जो ब्रास है ये एक मिश्र धातु है। तो ब्रास मिश्र धातु या कांसा मिश्र धातु किन किन धातु से मिलकर बना होता है? तो आपका आंसर होगा सर तांबा, दैट इज कॉपर और टीन। किससे मिलकर बना होता है सर? कॉपर और टीन। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो है पीतल मतलब हो गया ब्रोंज। ये जो ब्रोंज है सर, ये ब्रोंज किससे मिलकर के बना होता है? याद रखिएगा, ये भी तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा और जस्ता, तांबा मतलब हो गया कॉपर और जस्ता जेडन से। ये याद रखिएगा, हमेशा ये सवाल जो है एग्जाम में बनते हैं। क्या बोले सर? कांसा ब्रास जो है किसका मिश्र धातु है? ना तांबा और टीन का, और ब्रोंज जो है किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। ठीक है, ये देखिए ये ब्रोंज में जेड है ना, तो इसके साथ जेड लाइएगा मतलब जिंक है। ठीक है, इसको अगर याद कर लिए, ये ट्रिक दिमाग से याद रखिएगा, ब्रोंज में जेड होता है, जेड से जिंक होता है। तो कॉपर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस क्या है टीन और जिंक में? तो याद रखिएगा जिंक जो है ब्रोंज में होता है। ठीक है, और कितना परसेंट क्लियर लिखा हुआ है कि अगर ब्रास का बात करें 88% कॉपर और 12% टीन, जहां तक बात है ब्रोंज का तो 68-71% तांबा रहता है और बाकी जो बचा है वो क्या रहता है? जस्ता, दैट इज जिंक रहता है। अब हम लोग सेशन को आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए क्या बोल रहा है, एलॉय से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि एनोडाइजिंग बोल करके एक टर्म होता है। क्या बोले सर? एनोडाइजिंग। इससे क्या होता है? एनोडाइजिंग एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, विद्युत रासायनिक प्रक्रिया मतलब होता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। क्या है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। आप बैटरी देखते हैं आपके घर में, जो बैटरी उसमें पानी डालते हैं ना, उसमें भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जहां इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व्ड है और केमिकल इन्वॉल्व्ड है, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो एनोडाइजिंग बोल करके एक प्रोसेस है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहा जाता है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसके द्वारा एक धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंग रोधी बनाया जाता है। यह क्या है प्रोसेस? यह एनोडाइजिंग में क्या होता है? एनोडाइजिंग में जैसे ये एक बीकर है, इसमें एक लोहे का छड़ को डाला जाता है। अब लोहे का छड़ को डालने के बाद इसमें ऑलरेडी केमिकल्स मौजूद होते हैं। क्या बोले सर? इसमें ऑलरेडी केमिकल्स मौजूद होते हैं, और किसी तरह से यहां पे इस केमिकल के, ये जो केमिकल होगा इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव केमिकल होगा। याद रखिएगा, ये जो है केमिकल इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव बोलने का मतलब होता है विद्युत का सुचालक होगा। और जब ये लोहे का छड़ को डाला जाता है तो इसमें भी एक टर्मिनल डाल दिया जाता है। आपको पता है तार का दो टर्मिनल होता है, दो टर्मिनल को जब तक आप कोई चीज में नहीं लगाइएगा वो जलेगा नहीं। तो एक टर्मिनल इस लोहे के साथ और एक टर्मिनल इस लिक्विड के साथ डाला जाता है, और ये केमिकल क्या करता है, ये केमिकल इस लोहे के ऊपर एक परत बनाती है, तो उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, और स्पेशली इसका नाम है एनोडाइजिंग। क्या बोले सर? एनोडाइजिंग। हम लोग एक्चुअली कैथोड बोल करके एक चीज पढ़ते हैं, कैथोड और एनोड, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। बट आप लोग ये जानिए कि यहां पे एनोडाइजिंग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एनोड है। एनोड का मतलब होता है एक्चुअली में ये है नेगेटिव, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज्ड है, और कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। ये जब नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या होता है, ये जो लोहा का पट्टी को डाले हैं या फिर लोहा का बार को डाले हैं, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, वो नेगेटिव टर्मिनल को उसमें सप्लाई करेंगे, ये इसीलिए इसका नाम एनोडाइजिंग पड़ा है। ठीक है, गॉट इट। तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या होता है सर, कि धातु के पृष्ठ को टिकाऊ एवं जंग रोधी बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जा सकता है? एल्यूमिनियम पर Al2O3 की परत निक्षेपण करते हैं। तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि अगर एल्यूमिनियम लेते हैं लोहे के जगह पे, क्या बोले सर? एल्यूमिनियम लेंगे लोहे के जगह पे कि Al ले रहे हैं, तो जो इस पे निक्षेपण होगा लिक्विड का, इसमें किसका होगा लिक्विड का? Al2O3 का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। अब बोलिए सर इसमें तो पानी है ही नहीं है, तो लिक्विड कहां से बनेगा?
एक बात बताइए, ये जो नाइट्रोजन है N2, इसमें कहीं पे H2 सॉरी पानी है क्या? नहीं। तो ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी तो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन आप लोग को पता है कि आयरन सॉरी एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है सर? बॉक्साइट कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इसको क्लियर किया था। एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है सर? बॉक्साइट होता है, और इसके साथ .2H2O लगता है, .2H2O लगता है, तभी जाकर के ये लिक्विड फॉर्म में आता है। तो आपको मालूम है ये चीज, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि एक मोल Al2O3 के साथ दो मोल हाइड्रोजन पानी का H2O का दो मोल उसमें घुलता है। तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है। आप लोग सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आपको क्लियर चल गया ना, एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है। अगर आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाए कि क्या होता है, धातु का पृष्ठ टिकाऊ एवं जंगरोधी बनाया जाता किस प्रोसेस के द्वारा, तो एनोडाइजिंग के द्वारा आप लोग बोलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फोटोग्राफी। आप लोग को पता है कि फोटोग्राफी मतलब क्या होता है? फोटो खींचने वाला। इसमें जब हम फोटोग्राफी फोटो खींच रहे हैं तब का बात नहीं किया जा रहा है, जब उसको प्रिंट निकालते हैं ना, फोटोग्राफी का फोटो का प्रिंट निकालते हैं तब का बात किया जा रहा है। क्या बोल रहा है सर? फोटोग्राफी जो है, फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोल रहे सर? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का अनिवार्य रूप से उपयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछता है कि फोटोग्राफी में कौन सा मिश्र धातु का, कौन सा मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलिएगा सिल्वर ब्रोमाइड सर, सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है, ठीक है? उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोले सर? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? वायु में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। आप लोग को पता है कि पीतल का रंग जो है ना, हम लोग जब हवा में देखते हैं मतलब ऐसे ही हवा में ही तो देखेंगे ना पीतल का रंग, दैट इज ब्रोंज का जो कलर हो जाता है वो फेडेड कलर में दिखता है। जहां तक बात है ब्रास का कलर, ब्रास का कलर अगर आप देखेंगे, कांसा का रंग अगर देखेंगे तो वो चमकेगा, ठीक है? लेकिन जहां तक बात है पीतल का कलर थोड़ा सा हल्का फीका होता है। उसका वजह कौन होता है? हवा में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? हवा में जो उपस्थित है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके कारण से जो ब्रोंज होता है वो थोड़ा फीका प्रतीत होता है। तो ये एक MCQ का टाइप है, इस टाइप से MCQ आप लोग से पूछा जा सकता है। अभी ये एक स्टैंडर्ड बात है कि स्टैंडर्ड अगर क्वेश्चन करने जाए तो इसी टाइप का सवाल फंसाएगा, और क्या, उससे ज्यादा थोड़ी होगा। उसके बाद देखिए निकल की उपस्थिति, निकल समझ रहे हैं किसका बात कर रहे हैं हम लोग? निकल Ni का बात कर रहे हैं। निकल की उपस्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील आप लोग जानते हैं, स्टेनलेस स्टील शॉर्टकट में से SS कहा जाता है, स्टेनलेस स्टील। ये एक चर्चा के विषय है कि स्टेनलेस कैसे बनाया जाता है कोई स्टील को, ये इलास्टिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी धातु का, कोई भी धातु का या फिर कोई ठोस का एक प्रॉपर्टी होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। तो इलास्टिसिटी एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय है, लेकिन आप ये जानिए कि दुनिया में जैसे लोहा मौजूद है उसी तरह स्टील मौजूद है, उसी तरह से स्टेनलेस स्टील भी मौजूद है, गॉट इट? तो स्टेनलेस स्टील का जो निकल होता है, निकल क्या रहता है? स्टेनलेस स्टील में मौजूद रहता है, स्टेनलेस स्टील में निकल मौजूद रहता है। इसी वजह से अचुंबकत्व होता है, अचुंबकीय होता है। क्या बोले सर? अचुंबकीय होता है, मतलब होता है जैसे लोहा है, लोहा के सामने कोई चुंबक लाएंगे तो सट से खींचा जाएगा। कोई स्टील है, स्टील के पास भी अगर कोई लोहा चुंबक लाएंगे तो सट से खींचा जाएगा। लेकिन यही बात अगर ये स्टील को स्टेनलेस बना दिया गया है तब ये क्या होगा? ये चिपकेगा नहीं, ये जैसे के वैसे रहेगा। अचुंबकत्व किसके कारण होता है? तो आपका आप बोल दीजिएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या बोलिएगा? जब कोई तत्व में निकल को डाल दिया जाता है तो उसमें जो चुंबकत्व होता है वो कैंसल आउट, खत्म हो जाता है। यही लिखा हुआ है, निकल की उपस्थिति के कारण स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए, वो एक पॉइंट था, अचुंबकत्व बनाने के लिए क्या होता है? अचुंबकीय बनाने के लिए, माने जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाए, उसको करने के लिए निकल का प्रेजेंस जरूरी है। अब एक और चीज, स्टेनलेस स्टील को हमको बनाना है हार्ड, बहुत ज्यादा हार्ड बनाना है, ठीक है? बहुत ज्यादा हार्ड बनाना, तब क्या करेंगे? कोई भी मटेरियल, याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील क्या, दुनिया में कोई भी मटेरियल को बहुत ज्यादा हार्ड बनाना हो तो उसमें कार्बन डाल दीजिए, ठीक है? परसेंटेज ऑफ कार्बन बढ़ा दीजिए तो बन जाएगा। देखिए स्टील को अधिक कठोर बनाने के लिए कार्बन, क्या बोले सर? कार्बन का मात्रा बढ़ा दिया जाता है। अगर कार्बन का मात्रा बढ़ जाएगा तो वो जो मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा। तो स्टील में भी यही काम होता है। तो याद रखिएगा इस टॉपिक को,
कि अगर कोई मटेरियल को हमको अचुंबकीय बनाना है तो निकल का प्रेजेंस जरूरी है, अगर उसको हार्ड बनाना है तो कार्बन का प्रेजेंस जरूरी है, कार्बन का परसेंटेज को बढ़ाएंगे, ठीक है, कार्बन का परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो वो और हार्ड होता चला जाएगा। अभी देखिए एसएस जो होता है स्टेनलेस स्टील में क्या कंपोजिशन होता है, हम लोग इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं तो जनरली हम लोग को यह चीज मालूम रहता है कि बहुत टाइप के स्टेनलेस स्टील है, ठीक है। अगर जैसे कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि आयरन होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, कार्बन होता है, निकल होता है, अगर इसमें एक परसेंटेज लिखा हुआ है, इस परसेंटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ना तो स्टेनलेस स्टील का प्रॉपर्टी बदल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि स्टेनलेस स्टील में निकल होता है, निकल कितना होता है 0.8%, मात्र 0.8% होता है, वही उसको अचुंबकीय बना देता है, समझ में आया। और उसमें अगर उसमें कार्बन कितना होता है 0.25%, अगर कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो ये और हार्ड होता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग वहां पे एक प्रोसेस करते थे, हीटिंग प्रोसेस करते थे, जिससे हार्डनेस बढ़ाया जाता था, कोई भी मटेरियल का हार्डनेस को बढ़ाने के लिए फर्नेस में भेजा जाता था और उसमें कार्बन इंजेक्ट किया जाता था कार्बन को। तो स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होते हैं याद रखिएगा, आयरन सबसे ज्यादा होता है 89.4%, जहां तक बात है क्रोमियम तो 10%, मैंगनीज 0.3%, कार्बन 0.25% और निकल 0.8% होता है। यहां पे निकल का कारण अचुंबकीय कारण बन जाता है और कार्बन बढ़ाइएगा तो हार्ड बन जाएगा, ऑलरेडी क्लियर हो गया। अब देखिए जंग रहित का मतलब होता है क्या, जंग रहित का मतलब होता है कि आपको क्या बोलने का मतलब है जंग रहित का, कि आप जंग नहीं लगने देना चाह रहे हैं कोई मटेरियल पे, ठीक है, जंग अगर आप नहीं लगने देना चाह रहे हैं, रस्टिंग, क्या बोल रहे हैं रस्टिंग, रस्ट मतलब क्या होता है जंग, तो रस्टिंग होने आप नहीं दीजिएगा, जंग रहित बना के रखिएगा किसको, लोहा को, तो क्या किया जाता है बनाने के लिए क्रोमियम मिश्रित किया जाता है। याद रखिएगा कि लोहा को क्या किया जाता है, पिघला के उसमें क्रोमियम का कुछ परसेंटेज मिला दिया जाता है, तो यही लोहा जंग रहित बन जाता है, आप जब हवा में रखिएगा तो वो जंग नहीं लगेगा। एग्जांपल दे देते हैं, जैसे लोहे के ट्रैक बनते हैं, ट्रैक मतलब समझ रहे हैं रेलवे में जो ट्रैक लगे हुए हैं उसमें भी लोहा का इस्तेमाल होता है, लेकिन उसमें क्रोमियम का परसेंटेज कुछ ज़्यादा होता है, इस वजह से उस लोहा में जंग लगने में थोड़ा और ज़्यादा वक्त लगता है, जंग लगता है बट वो जंग लगने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, क्रोमियम जब तक उससे उसका काम खत्म हो जाता है ना क्रोमियम का, तब जाके जंग लगता है। मेरा बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लोहा को जंग रहित बनाना है, फुल प्रूफ एकदम नहीं लगे, तो क्रोमियम का परसेंटेज उसमें बढ़ा दीजिए। आपको मालूम है कि लोहा में भी क्रोमियम होता है, कार्बन भी होता है, ठीक है, तो क्रोमियम का परसेंटेज को जैसे ही बढ़ाएंगे हम लोग वो लोहा जंग रहित है ना, वो रस्टिंग लगने नहीं देगा। उसके बाद एक देखिए जंग लगने पर ये एक सवाल एमसीक्यू में बनता है, ये जो बोले पहले हम, ये एक सवाल एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, ये सवाल होती है कि जंग जब कोई धातु पर जंग लगती है तो उसका भार में क्या असर पड़ता है, तो क्या बोलेंगे कि उसका भार बढ़ जाती है, उसका भार क्या होती है बढ़ जाती है। बोले सर जंग जो लगा उसको झाड़ के उतार देंगे, तो झाड़ के उतार दीजिए तो ऑटोमेटिक चीज है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं उतारिएगा, बोलने का मतलब जैसा है वैसे ही आप वेइंग मशीन में चढ़ा दीजिएगा तो उसका जो वेट आप पहले रखे थे उस वेट से ज्यादा वेट आएगा, क्यों होता है उसका एक विस्तृत चर्चा किया जा सकता है, लेकिन आप लोग का एमसीक्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो इस बात को याद रखिएगा कि जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ जाता है। आपको पता है लोहा जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड बनाता है और उसमें ऑक्सीजन का भी भार ऐड होता जाता है, इस वजह से क्या होता है उसका भार बढ़ता है और ये बहुत बड़ा डिस्कशन का विषय है। अभी याद रखिएगा कि जंग लगने पर कोई भी या फिर लोहा में जो है भार बढ़ जाता है। आई होप यू ऑल गाइज आर एंजॉयड हैव एंजॉयड दिस सेशन ऑफ एलॉयज। हम लोग चैप्टर 2 में आज एलॉयज को कंप्लीट कर लिए, एलॉयज से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे आप लोग देखिएगा इसी से सवाल उठ कर आ जाएगा। याद रखिएगा एलॉय का मतलब मिश्र धातु या मिश्रातु कहलाता है, अगर सवाल मिश्रातु लिख के आए तो भी वही सब जवाब दीजिएगा। गॉट इट, आई होप यू ऑल गाइज आर इंजॉइंग एंड नेक्स्ट सेशन को इंजॉय करने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्द आएगा। और आप लोगों से यही गुजारिश है कि वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर और चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।